कुछ राजनीतिक चेहरे चाहे लाख कोशिशें कर ले हिंदू मुस्लिम को जुदा करने की, पर हमको कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। जब तक कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के अजयगढ़ तहसील क्षेत्र में रहने वाले ANM कार्यकर्ता साफुनून निशा और उनके भाई आमिन खान जैसे लोग अपने भाईचारे पर कायम रहेंगे, तब तक यह हमारा देश यूं ही खुशहाली के रास्ते पर चलता रहेगा। दरअसल पूरा मामला यूं है कि ग्राम खोरा सरबंसी निवासी श्रीमती हेमवती पति राजेंद्र लोधी उम्र 22 वर्ष प्रसव पीड़ित को बी पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत आवश्यकता थी। पीड़ित महिला के परिजन 28 फरवरी की रात्रि से बी पॉजिटिव ब्लड की तलाश कर रहे थे, मगर उनके परिजनों और रिश्तेदारों में कोई भी बी पॉजिटिव रक्तदान दाता नहीं था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने खोरा में पदस्थ ANM कार्यकर्ता साफुनून निशा को पूरी जानकारी दी। ANM कार्यकर्ता ने जच्चा बच्चा के जीवन को बचाने के लिए बिना कोई विलंब किए अपने भाई अमीन खान को पूरी घटना सुनाई और रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद पन्ना जनपद पंचायत के हनोता मजगुआ में पदस्थ पंचायत सचिव अमीन खान बिना कोई विलंब किए चिकित्सालय पन्ना पहुंचे और उन्होंने जात पात देखे बिना स्वेच्छा से रक्तदान कर दिया। समय पर रक्त मिल जाने से यहां पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं जच्चा बच्चे का जीवन को बचाया गया है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। विजय जी, आप दूसरी तीसरी बार रक्तदान करने के लिए आए हैं जिला अस्पताल पन्ना में, आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे रक्तदान के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इससे दूसरे लोगों की जान बचती है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजयानंद पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।